अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि लड़की पटाने का कोई आसान तरीका हो तो बताएं। इस टॉपिक पर तुमने बहुत सारे वीडियो सुने होंगे और देखे होंगे। मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी वीडियो से फायदा हुआ होगा। अगर तुम्हें किसी वीडियो से फायदा हुआ होता तो तुम मेरे चैनल की वीडियो नहीं देखते। मैं तुम्हें आज सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें आज सबसे अलग तरीका बताने जा रहा हूँ जो तुम थम्स पर देख चुके हो। जो भी फॉर्मूला मैं तुम्हें बताऊंगा वो अलग है और नया है। सो वीडियो को अच्छी तरीके से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानने वाले हैं IRAE टेक्निक, मतलब इंट्रीग, रैपोर्ट, अट्रैक्शन, एनसलेबमेंट। ज़्यादातर लोग ज़्यादातर वीडियोज तुम्हें अट्रैक्शन सिखाते हैं, लेकिन वो तुम्हें ना ही इंट्रिग सिखाते हैं और ना ही रैपोर्ट। जिस रिलेशनशिप में इंट्रिग और रैपोर्ट अपने आप पैदा होता है वो रिश्ता अट्रैक्शन के बाद सक्सेसफुल रिलेशन तक पहुंचता है। ज्यादातर मामले में इंट्रिग नहीं होता है और ना ही रैपोर्ट, इसलिए डायरेक्ट अट्रैक्शन फार्मूला अपनाने से बात बिगड़ जाती है। बहुत सारे लड़के ऐसे गलती कर चुके हैं और अपने लाइफ की सबसे प्यारी लड़की खो चुके हैं। इंट्रिग को समझते हैं। ज्यादातर लड़के लड़की से सवाल जवाब में बात करते हैं, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। वो पहली मुलाकात में किसी सेल्समैन की तरह खुद को बेचने की कोशिश करते हैं, मैं इतना महान हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ब्ला ब्ला और भी बहुत कुछ। लड़के पहले एक दो मुलाकात में अपने बारे में सब कुछ बता चुके होते हैं और उनके पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं होता। बाकी मुलाकात में वो बस एक दूसरे का चेहरा देखते रहते हैं। तुम्हारी बातों का कोई डायरेक्शन होना चाहिए जिसके हर मोड़ पर कोई एक राज खुलता हो, कि लड़की अगले दिन तुमसे वो बात जानने के लिए दोबारा तुमसे मिले और पूछे कि उसके बाद क्या हुआ, फिर तुमने क्या किया, उसके बाद तो तुमने बताया ही नहीं। इसे कहा जाता है इंट्रीग। जब कोई साधारण लड़का हिम्मत जुटाकर किसी लड़की से बात करने जाता है तो वो लड़की से पूछता है, आपका नाम क्या है, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ। इस तरह के सवाल जवाब से लड़की डिफेंसिव हो जाती है, वो तुम्हें जवाब ही नहीं देती। वो सोचती है ये मेरे बारे में इतना क्यों पूछ रहा है। एक लड़की बस स्टॉप पर अकेली बैठी थी। मैंने मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देखते हुए कहा, सच्चा प्यार मचाते रहते हैं, है क्या आज के ज़माने में सच्चा प्यार। मैंने उसकी तरफ देखा, मानो उसे इसी सवाल का इंतज़ार था। वो झट से उठी और बोली, सच्चा प्यार तो ख़त्म हो गया, अब तो लोग सिर्फ टाइम पास करते हैं और धोखा देते हैं। टॉपिक चाहे कोई भी हो, तुम्हें बात करने का लहजा बदलना होगा। लड़की से उसके मतलब की बात करनी होगी और वो भी इंटरेस्टिंग। इंट्रीग फॉर्मूला से बातचीत तो शुरू हो जाती है। साधारण सी बातचीत के बाद लड़की को अगर ठीक लगे तो वो आगे बात करती है और तुम्हारे बारे में जानना चाहती है। जब बातचीत ठीक ठाक हो तो तुम्हें रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट स्टेज में तुम्हें लड़की के पास्ट के बारे में जानना है और उसकी कहानी में खुद को शामिल करना है। जैसे बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, तुम्हें प्यार में धोखा मिला है, मेरी भी कहानी तुम्हारी जैसी है, मैंने भी किसी से बहुत प्यार किया था, अब हमारा ब्रेकअप हो गया है। ऐसे बहुत सारी बातें तुम्हें मिल जाएगी जिससे तुम उसकी भावनाओं के साथ जुड़ सकते हो। जब भावनाएं मिलती है तो प्यार अपनापन अपने आप पैदा होता है। हो सकता है बहुत ज्यादा भावनाओं के मिलने से लड़की तुम्हें दोस्त बना ले या तुम्हें भाई बना ले, डरने की कोई बात नहीं। तुम अट्रैक्शन फार्मूला से फ्रेंड जोन से बाहर निकल सकते हो। अट्रैक्शन स्टेज में तुम्हें लड़की को ना कहना होगा, हाँ ना का खेल खेलना होगा। वो तुम्हें दिमाग से निकालने की कोशिश में दिल में जगह दे देगी। अट्रैक्शन के बाद तुम्हें इस्तेमाल करना है एनसलेबमेंट, मतलब गुलाम बनाना, जरूरत बनना। देखो प्यार बहुत कमजोर होता है। किसी से प्यार करके ये उम्मीद मत रखना कि वो तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगी या ऐसा प्यार हमेशा रहेगा। प्यार एक कमजोर भावना है जो पल पल बदलता रहता है। तो तुम्हें लड़की को एनसलेब करना है, उसे गुलाम बनाना है। जब लड़की दिमागी तौर पर पूरी तरह से तुम पर निर्भर हो जाए, वो अपने सारे डिसीजन तुमसे शेयर करे, तुमसे सॉल्यूशन मांगे, इस स्टेज को कहा जाता है एनसलेबमेंट। ज्यादातर लड़के इस स्टेज में लड़की के दीवाने हो जाते हैं, वो उससे प्यार कर बैठते हैं, वो खुद लड़की के गुलाम बन जाते हैं। एनसलेबमेंट वो स्टेज होता है जब लड़की का दिमाग बंद हो जाता है, वो कुछ नहीं सोचती, पर उसके साथ जो हो रहा होता है उसे अच्छा लगता है। उसे भावनाओं के रोलर कोस्टर पर ले जाओ, हंसना, रोना, चीखे, दर्द, खुशी, गम, एक के बाद एक भावना की उठापटक। IRAE के की पॉइंट्स को देखते हैं। इंट्रीग, इसमें लड़की का ध्यान बस अपनी तरफ करना है, लड़की तुम्हें नोटिस करे बस इतना ही काफी है। रिपोर्ट, एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानना है, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या अलग है ये जानना है, अपनी कहानी शेयर करनी है, उसकी कहानी जाननी है। अट्रैक्शन, एंटाइस रिपेल करना है, पुल पुश करना है, हाना का खेल खेलना है। एनसलेबमेंट,
उसकी भावनाओं को चोट करनी है, उसके भावनाओं के भवन में फंसाना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। सारे की पॉइंट्स को अच्छी तरीके से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।